एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो सबसे पहले तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी के अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसी के साथ भी नोटिफिकेशन बेल है उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिए सो दैट हम जब भी अपना न्यू व्लॉग अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो अभी मैं सुबह उठकर आज इंस्टा पे रील्स ही चेक कर रही थी। मैं रील पे मैंने देखा डोमिनोज ने एक न्यू अपना वेरिएंट निकाल रखा है, प्रांठा पिज्ज़ा। तो बेसिकली वो व्हीट डो बनाकर उसमें जो कॉर्न और चीज़ की स्टफिंग डाल रहे हैं। तो मम्मी और मैंने सोचा कि मैं आज ये ज़रूर ट्राई करते हैं कि घर पे कैसा बनता है। हम भी नॉर्मल आटा लेकर जैसे रोटी बनाते हैं परांठा, तो उसमें जो पिज्ज़ा की स्टफिंग है वो डालकर देखते हैं कैसा बनता है। अब हम ये नहीं पता कि हम पास होते हैं इसमें या फेल होते हैं, बट कुछ ना कुछ तो न्यू ट्राई करना ही चाहिए ना। हम भी फर्स्ट टाइम ही ट्राई कर रहे हैं तो अभी बस मैं सबसे पहले भी किचन में जाकर वो बनाती हूँ। तो आइए आप सबको भी दिखाते हैं कि आज परांठा पिज्ज़ा फेल होता है या पास। पिज्ज़ा परांठा के इंग्रेडिएंट्स हैं, स्टफिंग के लिए मैंने लिया है कैप्सिकम, अनियन, बॉइल्ड कॉर्न, आप चाहे तो कोई भी सब्ज़ी ले सकते हैं, एंड इन सबको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। पास्ता एंड पिज्ज़ा सॉस, चीज़, आटा, बटर, ऑरिगेनो एंड चिली फ्लेक्स, बस आपको इतने से ही इंग्रेडिएंट्स चाहिए। परांठे के लिए मम्मी अभी बना रही है, रोटी बेल रही है। इसके लिए हमें दो रोटियां चाहिए होगी। तो आप सबको तो पता ही है कि मैं कैसी रोटियां बेलती हूँ, मेरी रोटियां तो बिल्कुल स्क्वायर शेप में होती है। तो मम्मी ये रोटी बेल रहे हैं। मम्मी आपको दो बनानी है। हाँ पता है, ठीक है, एक सेट करनी। हाँ, एक के ऊपर एक सेट करनी है और इसको आपको ज़्यादा मोटा नहीं रखना। जितनी रोटी आप बनाते हैं उतनी ही आपको इसकी थिकनेस रखनी है, बिकॉज हम दो लेयरिंग कर रहे हैं। अगर आप ज़्यादा मोटा कर दोगे तो चीज़ वगैरह और जो बाकी की सब्ज़ी है वो ईजिली मेल्ट, चीज़ भी मेल्ट नहीं हो पाएगा, सब्ज़ियाँ भी बन नहीं पाएगी। तो एक मम्मी ने यहाँ पे दो रोटियाँ बेल दी है, आपको इतने साइज़ की एटलीस्ट रोटियाँ रखनी हैं। अब मैं इस पर ये लगा रही हूँ पिज्ज़ा सॉस, आपको इस पर इवनली लेयर लगानी है पिज़्ज़ा सॉस की, अच्छे से आप इसे स्प्रेड कर दीजिए। तो मैंने रोटी पे पूरा अच्छे से ये पिज़्ज़ा सॉस को स्प्रेड कर दिया है। अब मैं इसके ऊपर स्टफिंग डालूंगी, जो भी हमने वेजीज ले रखी है। सबसे पहले मैं यहाँ पे डाल रही हूँ कैप्सिकम और छोटे छोटे पीसीज ही रखी है सो दैट कुक होने में भी ईजी हो। ज़्यादा बड़े बड़े आप पीसेस ले लोगे तो कुक नहीं हो पाएंगे। इसके बाद मैं ले रही हूँ ये अनियन, इसके बाद मैं ले रही हूँ ये स्वीट कॉर्न। आपको जौन सी भी वेजीज लेनी है, अपनी चॉइस के वेजीज ले सकते हैं। मैं इस पर डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स, एंड अब मैं इसमें कर डाल रही हूँ ओरिगैनो। सॉल्ट मैं इस पर नहीं डालूंगी बिकॉज पिज्ज़ा सॉस पे, ओरिगैनो में, चीज़ में, सब में ही ऑलरेडी नमक होता है, तो मैं ज़्यादा उसे सॉल्टी नहीं बनाना चाहती। तो मैंने अच्छे से इसको ये कर दिया है। पे ये मोज़रेला चीज़ ग्रेट कर रही हूँ, अच्छे से इस पर आप ग्रेट कर दीजिए। मुझे तो आप सबको वैसे ही पता है मुझे तो बहुत पसंद है चीज़। मैंने ये चीज़ पूरे अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। आप एंड पे मत कीजिएगा ज़्यादा, बिकॉज अभी हमें दूसरी रोटी को इस पर चिपकाना है एंड हमें इसे सील करना है। तो इतना ठीक है, दिखने में तो बहुत टेस्टी लग रहा है। मैं ऊपर से थोड़ा सा ओरिगैनो और डाल देती हूँ बस। इसे रोटी को इस पर ट्रांसफ़र करना तो बहुत ही हमारे लिए मुश्किल हो गया था बिकॉज इतनी पतली है। एंड अब मम्मी इसको इस पर दूसरी रोटी लगा के इसे दोनों साइड से सील कर रहे हैं। मम्मी वो वैसे कर देना, वो जैसे फोक से नहीं कर देते बाद में? हाँ हाँ, वो साइड से मैंने देखा था, पहले हाथ से कर देते। हाँ, पहले पूरे हाथ से सील। वो पानी लगाते भी थे? नहीं, 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 पानी नहीं, नहीं लगाना, ये इसी से चिपक जाएगी दोबारा, नहीं फोक करके हो जाएगा ना, बिल्कुल भी खुले ना। हो गई देख। हाँ, ये तो अच्छे से होगी, बस ये बाकी सारा ना फोक से वो कर दो, डिजाइन भी बन जाएगा थोड़ा। हाँ, खुलेगा भी नहीं बिल्कुल, सील भी हो गई है। हाँ, अच्छे से, क्योंकि खुल गया तो बड़ा बेकार हो जाएगा।
पहली बार ट्राई कर रहे, देखो कैसा बनता है। छोटे छोटे बनाओ मम्मी, बड़े बड़े मत बनाओ, एंड एंड में बनाओ, वरना सारा वो हाँ वो देखो वो हो रहा वो है। कोई बात नहीं, फुलानी थोड़ा ना रोटी को कोई। हाँ बट ये मत करो, हल्का हल्का करो, बिल्कुल एंड एंड पे करो। हाँ ठीक है, बस तवा हमने पहले गर्म करने रख दिया था, एंड उसमें अब हम लगा रहे हैं बटर। आप चाहे तो घी से भी कर सकते हैं, बट ये थोड़ा इटालियन टाइप का परांठा है तो इसलिए हम बटर ही यूज़ कर रहे हैं। तो अच्छे से इसको स्प्रेड कर दीजिए पूरे तवे पे। हाँ अब मेन जो पार्ट है इसे उठा कर इधर। मम्मी ये पलटे से ही उठाओ। नहीं नहीं मैं उठाती हूँ। उठा रहे हो ऐसे? उठ गया तो तुक्का है। हाँ उठ गया उठ गया उठ गया। जय माता दी जय माता दी। बस बस उठ गया। हाँ बड़ा इसमें वो आ रही थी मम्मी। ये चीज़ ऐसे मेल्ट तो होता नहीं, इसे ढक के थोड़ा चीज़ तभी मेल्ट। हाँ इस पर कोई लिड रख दो। मैं भी जब वो तवे कब बनाती थी तो मैं लिड रख देती थी। हाँ इस पर ऐसे आप लिड रख दीजिए, गैस की फ्लेम कम, बिल्कुल फ्लेम आप लो पे ही रखिए, वरना वो पूरा वो एकदम से वो जो बाहर का परौंठा है वो क्रंची हो जाएगा, अंदर से चीज़ मेल्ट नहीं होगा। हम एक बार चेक कर लेते हैं दूसरी साइड कैसी बनी है। मम्मी फ्लिप करो आराम से, आराम से उठ रहा है, आराम से कोई दिक्कत नहीं। उठ रहा है तो ये बिल्कुल अच्छे से बन चुका है। मम्मी अब दूसरी साइड भी तो बटर लगाना है। डाल रही हूँ। हाँ वो कैसे लगाओगे बटर? वो घूम जाता है अपने आप रोटी के साथ। मैं कह रही थी उठा के से वो कर देते ताकि इक्वली हो। नहीं नहीं इक्वली हो, रुक जा इक्वली आए। आ जाएगा आ जाएगा। मैं क्या कह रही थी ऊपर ही आप लगाओ। ये मम्मी बटर लगा के नीचे उसको ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, ये सिर्फ मम्मी ही कर सकती है, मैं तो नहीं कर सकती। फिर से इसे ढक दो। हाँ ताकि दूसरी साइड से भी क्रिस्पी हो जाए। हम एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। मम्मी दूसरी साइड देखो कैसा हुआ है, मुझे तो खाने की इतनी टेस्ट वो हो रही है। हो गया। हाँ मम्मी निकाल लो, इतना बिल्कुल चीज़ बचे ही ना, क्रिस्पी बना है बड़ा। हाँ ये लो। अब मैं इसे थोड़ा डेकोरेट कर देती हूँ। तो मैंने इसे चार पीसेस पे कट कर लिया है, एंड मैं इसे आपको अंदर से ओपन करके दिखाती हूँ। देखिए कितना टेम्पटिंग लग रहा है, बहुत ही टेस्टी लग रहा है। बस मेरा तो मन है बस मैं जल्दी जल्दी से खाऊं, फिर मैं आपको खाकर बताती हूँ कि कैसा बना है ये। सो अब मैं आपको इसे खाकर इसका ऑनेस्ट रिव्यू बताती हूँ कि ये पिज्ज़ा परांठा कैसे बना है। मैं तो खुद ही एक्साइटेड हूँ, बता नहीं अच्छा बना है कि कैसे। अभी तो बहुत ही गर्म है, बस थोड़ा सा ठंडा हो जाए हल्का सा। केचप के साथ खाती हूँ। मेरे हिसाब से तो ये पास है। आपको कुछ डिफरेंट ट्राई करना है या फिर आपके बच्चे हैं उनको आपको परांठा खिलाना है तो आप ये ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही अमेजिंग है एंड समथिंग कुछ न्यू है। मुझे बहुत पसंद आया, आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। इसमें मैंने इसमें ये सेम मैंने पिज़्ज़ा स्टाइल में ही सैंडविच भी बना लिए हैं। मैंने कहा आज है तो सैंडविच भी बना ही लेती हूँ, तो मुझे तो बहुत पसंद आते हैं। तो मैं आपको इसे तोड़ कर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए पुलिंग, आप चीज़ पुल देख रहे हैं, अमेजिंग सेम स्टफिंग है, बहुत टेस्टी है। सो मैं हो चुकी हूँ रेडी, एंड आज मैं जा रही हूँ पार्टी फंक्शन पे। एक्चुअली आज मेरे फ्रेंड का बर्थडे है, तो उसने मुझे कहा था कि गुड़गांव में आज वो बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है, तो हम सारे फ्रेंड्स वहीं पे जा रहे हैं। आई डोंट थिंक सो मैं आपको आज वहाँ का व्लॉग दिखा पाऊँगी, बिकॉज़ जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो अभी व्लॉग के साथ कम्फर्टेबल नहीं है, एंड मैं भी अंडरस्टैंड करती हूँ सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी होती है। तो मैंने कहा आपको मैं अपना लुक दिखा देती हूँ। मैं हो रही हूँ अभी लेट, फटाफट मैं बस निकलती हूँ। फुल लुक तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी थोड़ी देर में, तो अभी के लिए मैं जाती हूँ फटाफट। पार्टी से मैं वापस आ चुकी हूँ। आज की पार्टी बहुत ही अमेजिंग रही, बहुत मज़ा आया। हम गुड़गांव गए हुए थे डाउनटाउन, एंड डाउनटाउन का फूड इतना अमेजिंग अमेजिंग, लाइक मैं तो वेजिटेरियन हूँ तो मैंने तो वेज ही खाया था, और जो मेरे बाकी फ्रेंड्स हैं उन्होंने नॉनवेज भी ट्राई किया था, बहुत यम्मी था उन्होंने बोला तो, एंड उनका रेट भी बहुत रीजनेबल है, तो मुझे तो वहाँ पे बहुत अच्छा लगा। एम्बियंस भी उनका बहुत अच्छा था, एंड अभी मैं हो रखी हूँ बिल्कुल टायर्ड। मैंने अभी चेंज कर लिया है, मेकअप भी रिमूव कर लिया है, बस अब मैं सोने जा रही हूँ, तो इसलिए मैं आज आप लोगों से ज़्यादा बातें नहीं कर पाऊँगी। तो हम मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय।